वीडियो भी देख रही है। हाँ जी भाई, मेरी पक्की सब्सक्राइबर है। पहली चीज है जो महसूस होती है वो दूसरी चीज का जो अनुभव होता है। 12053 नंबर की पहली बार दोस्तों ये सौभाग्य भाई मुझे अपनी धर्म पत्नी के ना 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाना है और हमारे साथ में साथी जुड़ गए हैं। देखिए 2 मिनट भी लेट नहीं हुई दोस्तों आज ट्रेन। बस 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 शांति शांति। सुबह के दोस्तों ठीक 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर के नज़ारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। और मौसम की बात करें भाई दोस्तों तो मौसम कुछ आज का इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, खूब घने घने भाई चारों तरफ से बादल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। सुबह के भाई दोस्तों ठीक 10:30 बज गए हैं, अच्छे से चाय नाश्ता हो गया है। तो आज भाई दोस्तों मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में एक लंबे सफर पे जा रहा हूँ। लगभग यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर 7-8 घंटे का सफर हमारे होने वाला है। पहली बार अपनी धर्म पत्नी की बदौलत मैं आज ट्रेन पे बैठने वाला हूँ हरिद्वार जंक्शन से। जहाँ हम आगे जाने वाले हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहना। फिलहाल तो अभी भाई दोस्तों धर्म पत्नी को लेने के लिए जाना है, वो ड्यूटी पे जा रखी है। गुड मॉर्निंग माता श्री। क्या हाल चाल? खाने पीने की तैयारी हो रहे हैं, घर की याद भी आ रही है। माँ जी को हमने जबरदस्ती गोड़ रखा है यहाँ। माँ जी को जब मौका मिलेगा पता लग रहा सीधे पहुँच रही चंबा। वो तो अच्छी बात ही है दोस्तों, माँ जी को ना अभी ढंग से रास्ता पता नहीं है, नहीं तो माँ जी कभी भी जा सकती थी। हो गया रास्ता याद, अर्ची बोली अपने दांत घरोड़ने पे लगी हुई है। गुड मॉर्निंग, जरा दिखाना दांत ठीक हो गए तार से। ये देखो पहले इसके दांत भी दोस्तों ड्रैकुला जैसे थे, अब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी कि वो अभी अंदर कर दिए हमने। अभी मेरी तैयारी हो रही है रश्मि को लेने जाने की, अपना सामान वामान उठाएंगे और फिर चल पड़ेंगे वे सीधे हरिद्वार। माँ जी टाटा बाय बाय आप लोगों के लिए। माँ जी को छोड़ के हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं विदेश, विदेश यात्रा भ्रमण। हाँ मम्मी तो अपने बचपन में पहले घूम गए खूब, मैं तो पहली बार बैठूंगा ट्रेन में। अभी देखिए दोस्तों माता श्री भाई खाना बनाते बनाते अपनी वीडियो भी देख रही है। माँ जी भाई मेरी पक्की सब्सक्राइबर है, एक वीडियो नहीं छोड़ती माँ जी, तो सबसे अच्छी और सबसे प्यारी सब्सक्राइबर है हमारी माँ जी। दिन के भी दोस्तों अभी ठीक 11:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी रश्मि को लेके मैं आ गया हूँ। अभी माता श्री ने भाई हमारे लिए बढ़िया से दाल चावल बना दिए हैं, ये देखिए फर्स्ट क्लास ढंग से। और ये देखो मैडम भी आ गई है फटाफट चकाचक है, बड़ी खुश नजर आ रही है आज हैं। तो चलिए जी बढ़िया से भाई अभी दिन का लंच करते हैं और उसके बाद निकलते हैं सीधे हरिद्वार के लिए। वहां से भाई हमारे साथ में कोई और भी जुड़ने वाला है, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। मैडम लग गई सपोर्ट ने बिल्कुल है, भूख लग गई भारी। बढ़िया से भाई दोस्तों दिन का खाना पीना हो गया है और अभी भाई हमारे बैग वैग भी पूरे पैक हो गए हैं, बढ़िया से तैयार हो गए। चलो भाई माता जी से भाई आशीर्वाद लेते हैं, आरती से भी आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है माँ जी उन्हें पकड़े रह गए, पता चले माँ जी चले दुनिया जाए पहाड़ में और हम चले पहाड़ में। तो माता श्री ओके बाय बाय टेक केयर। ठीक है बाय बाय करने में आज आधा घंटा लग गया। तो चलिए जी बाहर तक थोड़ा सा पैदल पैदल जाएंगे, इससे भाई हमारा ना खाना डाइजेस्ट हो जाएगा जो अभी अभी हमने छक के थकला भर के बाद खाया है। क्यों जी हीरो लग रहा मैं आज सही में। चलिए दोस्तों कारगी चौक के पास में पहुंच गए हैं भाई, यहाँ पे हम हरिद्वार वाली बस का वेट करेंगे, देखते हैं कितनी देर में बस आती है। तो वही दोस्तों फाइनली अभी हम धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंच गए हैं। हरिद्वार में पहुंचते ही दोस्तों सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है गर्मी, साफ गर्मी। खैर उतनी खास यहाँ पे अभी वैसी गर्मी है नहीं जैसे भाई हरिद्वार में पड़ती है गर्मी। दूसरी चीज का जो अनुभव होता है दोस्तों यहाँ आके ना वो ये है भाई दोस्तों भक्ति जाग जाती है। जहाँ तहाँ भाई हमें ना मंदिर दिखाई देते हैं, गुरुद्वारे दिखाई देते हैं। अभी देखिए दोस्तों हम हैं रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पे, यहाँ से दोस्तों हमें 12053 नंबर की ट्रेन पकड़नी है
और पहली बार दोस्तों ये सौभाग्य भाई मुझे अपनी धर्म पत्नी के वजह से प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कभी कभी भाई पत्नी अभी अच्छा काम कर लेती है। से पहले भी दोस्तों मैं बता दूं आपको, पहले मैं कभी भी ना ट्रेन में नहीं बैठा, पहली बार और पहला एहसास हो गया मेरा ट्रेन पे बैठने का। देखिए अभी ना हम रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए हैं, काफी बड़ा स्टेशन है, यात्री लोग भाई आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे से ना 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाना है, पहले वो पता करना है। हम कई बार की बैठी हुई है, सब पता है। चलिए दोस्तों अभी भाई हमें यहाँ पे मौसी जी मिल गई है, एक और हमारे साथ में साथी जुड़ गए हैं, तो मौसी जी के घर में ही हम जा रहे हैं। एक्चुअली में हम सब की यही ट्रेन है, अभी D3 वाला डब्बा है वो खोज रहे हैं हम। ये D5 है, आपका कौन सा है डब्बा? D5 है। ट्रेन तो भाई दोस्तों एक ही है हमारी ना, लेकिन भाई डब्बे बड़े दूर दूर है, और मौसी जी का डब्बा जो है वो D5 है, हमारा D3 है। D4 आ गया। अभी हमारा जो ट्रेन का डिब्बा है वो भी मिल गया है, D3 वाला है। चलो साहब अंदर प्रवेश हुआ। तो चलिए दोस्तों अभी हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, और भाई बहुत ही गजब अनुभव है, जैसे भाई सोचा था उससे थोड़ा सा अलग है, बैठने में तो मज़ा आ रहा है और चलेगी तो और मज़ा आएगा। क्यों भाई चैन है दोस्तों ट्रेन की, इसके खींचने से ना जुर्माना पड़ता है अगर किसी ने गलत उससे खींच लिया है। इमरजेंसी में करते हैं इसका यूज ना, जब इमरजेंसी हो। धीरे धीरे भाई ट्रेन आगे बढ़ने लग गई है, 2:45 की हमारी ट्रेन का डिपार्चर था, और भाई बिल्कुल उसी टाइम पे हम चल रहे हैं। 2 मिनट भी लेट नहीं हुई दोस्तों आज ट्रेन। हाँ टिकट के घूमते रहते हैं। रश्मि के पेट में दोस्तों चूहा कूदने लग गए। ये देखो इसने यहाँ पे लंच बॉक्स निकाल लिया, भूख नहीं लग रही, तो काहे निकाला है। हमारी मौसी जी दोस्तों ये जो नाश्ता है ना हमारे लिए ला रखा है, ये भाई D5 से लेके हमारे लिए यहाँ पे आए। मौसी जी इतने प्यार से लाया, अब तो खाना पड़ेगा। ठीक है हम जाएंगे मौसी जी से मिलने के लिए D5। फाइनली हमारा हरिद्वार से और लुधियाना तक का सफर जो है वो कंप्लीट हो गया है। रात के अभी 8:30 बज रहे हैं, गाड़ी के मुकाबले दोस्तों ट्रेन का सफर ज्यादा अच्छा है, मस्त है भाई, पता भी नहीं चला कब हम यहाँ पहुँच गए। ये देखो भाई स्वागत हो रहा हमारा। बस 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 शांत शांत। रात के वे दोस्तों अभी ठीक 10:30 का टाइम हो गया है, और अगर तो आपने देख ही लिया था हमारा स्कूबी ने भाई बहुत अच्छे से हमारा स्वागत कर लिया था, और अभी यहाँ पे मौसा जी लोगों ने सबने भाई हमारे लिए यहाँ पे खाना लगा दिया है। बाकी ये हमारे मौसा जी हैं, मौसा जी एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल दिखा दो। अभी थके हुए भी हैं सारे लोग, सुबह एकदम बढ़िया से सबकी मुलाकात करवाएंगे। क्यों जी मैडम जी कैसा लग रहा था मौसी घर पे आके? अच्छा लग रहा है, अमन्ना पूरी हुई।